खबर आ गई था सुबह कि शहीद हो गए नहीं रहे बाहर का रास्ता बहुत ज्यादा नहीं घोषित हाँ, कर रही है तो क्या बनाएंगे सड़क तहसीलदार जी ने मतलब ये भी पूछने की कोशिश नहीं की कि लोग कितने वर्षों से रह रहे हैं है? बस उन्होंने एक रिपोर्ट भेज दी थी कि शासन में ये मूल निवासी नहीं और यहीं मेरे बच्चे पैदा हुए यहीं पे पढ़ाई की है उन्होंने सर्विस में गए मेरे दोनों बच्चे और यहीं पे मेरे आदमी भी रिटायर हुए हैं तो मैं यहाँ की निवासी कैसे नहीं हूँ पूछ रही है आपसे कि साहब गलती कर दी क्या कि अपने बेटे को राज के नाम पर समर्पित करने के लिए वो सपना हमने दिखा दिया पिछली बार बैठे हैं अभी भी हमसे एस ने कहा कि आप उठ जाइए आपका करने का कोई फायदा नहीं है अब हम उनके घर पे आ चुके हैं और ये घर है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई और हर एक तस्वीर विवेक जी के दीवार जो घर की दीवार है वो उनके अदम्य साहस को चीख चीख के बता रही हैं। इन तस्वीरों के बारे में भी हम जानते हैं और ये भी जानेंगे हम रंजीत जी से कि उस दिन जिस दिन तीन जनवरी आठ जनवरी थी उस दिन कोई आपकी बात हुई थी या पहले भी विवेक आते होंगे तो आपसे किसी भी लड़ाई के बारे में कुछ डिस्कस करते हुए क्या जैसे लड़ा ये प्रॉब्लम्स आई और उस प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जब पहली बार आया आया था छुट्टी तो मैंने पूछा था कि भाई तूने तो कभी फायरिंग वायरिंग की है क्या हुआ तो उसने यही बताया कि मैंने तेई तो टेंशन तो नहीं हुआ या कोई दिक्कत बोला नहीं मेरी कोई टेंशन नहीं हुआ और पहली बार मैं बिल्कुल कूल था कोई ऐसी बात नहीं थी तो उसको पहली बार मुझे पुलिस मेडल मिला था तो वो उसने पहली बार अम्बुश लगाया था पहली बार वो पहली बार वो चार साल में फर्स्ट सक्सेसफुल था मैंने कहा ये क्या मतलब किस तरह से बोला तो हम पूरी रात जो थे ना पानी के अंदर बैठे रहे थे कि वो आ आने वाले हैं कुछ पता चला था तो हम लोगों ने उसमें वहाँ पे ए के फोर्टी सेवन राइफल्स और एमशंस वगैरह किया था और दो तीन हम लोगों ने मारे थे वहाँ पे तो बोले ये फर्स्ट मेरा सक्सेसफुल है मणिपुर में मतलब उस नॉर्थ ईस्ट में किसी ने भी ये काम नहीं किया था तो मैंने बोला ये तुम इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे तो इस चीज़ का आया तुमको ज़्यादा आइडिया होगा इसका भी बेनिफिट मिला होगा तुमको ये उसने बताया था मुझे और भी कई फाइट्स हुई थी एक दिन उसका एक दोस्त आया था तो वो भी बोला था कि मैं आज खड़ा हूँ दो पाँव पे तो मैं विवेक की वजह से खड़ा हूँ तो बोला कि जब फायरिंग हो रही थी बहुत समस्या खड़ी हो गई थी तो मैं तो लास्ट मोमेंट में ये कह दिया कि मैं मरने वाला हूँ पता नहीं वो कहाँ से अचानक आ गया और उसने दो तीन लोगों को उसी समय शूट कर दिया तो मैं आज आंटी खड़ा हूँ तो मेरी माँ के सामने वाला आंटी मैं आप विवेक का धन्यवाद कहता हूँ कि मैं आज खड़ा हूँ यहाँ पे चिंदा अगर वो ना होता और पाँच मिनट में पता नहीं वो किस तरह से पहाड़ी पे चढ़ता हुआ चला आया और उसने मेरी जान बचा ली तो बहुत शुक्रगुजार था घर पे मिलके के गया सबसे तो आज भी कभी कभी फोन करते हैं वर्मा जी कि हम आज जो हैं वो है हजार विद्रोहियों से वो इस दरमियान लड़ रहे लड़ रहे थे और मेरे खास इतना ज्यादा ऑपरेशन तो इनके पास होता नहीं है इतना आइडिया नहीं होता है लेकिन एंड टाइम पे भाई उसको अपना देखना था जो परिवार जो और भी थे तो एंड टाइम में उसने यही था पीछे बाकी लोगों को पीछे बैक करा होगा अपनी सेफ्टी के लिए उसने जैसा भी किया होगा निर्णय लिया होगा वही जानता है इस बारे में मैं कह नहीं सकता वो ही एक बंदा शहीद हुआ था उसमें सिर्फ, सिर्फ विवेक जी विवेक तो एक हरिंदर यादव था उसको पहले गोली लग गई थी बस ये दो लोग दो, दो लोग लो शहीद हुए थे तो अभी हम रंजीत जी से बात रहे थे जो कि बड़े भाई हैं विवेक जी के माता जी भी बगल में बैठी हैं इनसे भी जानते हैं क्योंकि दीवारें मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही गेट से हम एंटर किए हैं सारी दीवारों पर शहीद विवेक जी की तस्वीरें हैं और हर एक तस्वीर अपने में जीवंत है अदम्य साहस के इतिहास को ये तस्वीरें बयाँ कर रही हैं पहली तस्वीर हम माता जी देखें तो ये ये आपको इसके बारे में इस तस्वीर के बारे में क्या पता है मतलब क्या बताना चाहती है जो पहली है। इस तस्वीर के बारे में क्या मैं बताऊँ लड़ाई एक दिन पहले शाम को मेरी बात हुई थी उससे तो मैंने कहा था बेटा जरा थोड़ा ठीक से रहना ध्यान से रहना बोला नहीं मम्मी मेरी चिंता मत करो तुम मैं ठीक हूँ को कुछ नहीं होगा भाई यही बात मेरी उससे हुई थी उसने मेरे को कुछ नहीं बताया फिर और फिर दूसरे दिन सुबह को खबर आ गई दसों बजे कि शहीद हो गए विवेक से नहीं रहे यही मैं सुन के धक्का लग गया कि मैं अब क्या करूं क्या नहीं करूं मेरे से रात कहा कि मैं ठीक ठाक हूं कोई चिंता की बात नहीं है रात में आपकी बात हुई थी रात में बात हुई थी आठ बजे के करीब मैं आठ बजे के करीब जी बस यही थे इसके बाद में तो फिर उसकी खबर ही आ गई दूसरे दिन को कि क्या ना, उनका उनकाउंटर हो गया है अभी क्या ना इसमें वो चल रहा है इनकी लड़ाई चल रही है हम अभी अभी कुछ खबर पक्की नहीं दे सकते ढूंढ रहे हैं उन्होंने हमसे छुपा ली बात कि हम नहीं तुमको अभी पता नहीं चल रहा है हम फोन कर रहे हैं इधर उधर उनका मोबाइल नहीं लग रहा है यही हमें बताते रहे फिर लास्ट में आकर के उन्होंने दस बजे के बाद हमको खबर दे दी कि अब वो नहीं रहे <laughs> इसके आगे और मैं क्या बोल सकती हूँ जो माँ के ऊपर बीतती है परिवार में पर बीतती है वो ही जानता है दूसरा तो कोई नहीं जानता इस बात को बिल्कुल सही बात अब सोचिए कि जब हम बात करते हैं तब इनकी आंख से आंसू गिरते हैं शब्द नहीं निकलते हैं जब हम ऐसी कवरेज पे या ऐसी स्टोरी को हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ये परिवार आज बैठा हुआ है धरने पे अपने बच्चे की शहादत को ये समझ रहा है कि उसने किस तरीके से राष्ट्र के नाम पर अपनी जान न्यछावर कर दी लेकिन राष्ट्र में बैठे हुक्मरानों को ये बातें क्यों नहीं समझ में आती हैं परिवार पूछता है आपसे कि साहब गलती कर दी क्या कि अपने बेटे को माँ एक पूछ रही है आपसे कि साहब गलती कर दी क्या कि अपने बेटे को राष्ट्र के नाम पर समर्पित करने के लिए वो सपना हमने दिखा दिया मुझे एक चीज़ और समझना है रंजीत जी कि ये पैरामिलिट्री बी पैरा पैरा मिलिट्री फोर्स होती है तो ये मिलिट्री और पैरा मिलिट्री में इतने डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं जैसे अभी आपने कहा कि बोर्ड गठित नहीं है आपकी मांग है अमित शाह जी से केंद्र सरकार से कि बोर्ड गठित किया जाए तो आपको लग रहा है ये डिफरेंसेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है बहुत हाँ, सारी प्रॉब्लम्स है देखिए पैरा मिलिट्री में ना तो आ, पेंशन है मेरे, वन रैंक वन पेंशन भी नहीं है सबसे बड़ा तो डिफरेंस यही है और मेरे ख्याल से ये पैरामिलिट्री की डिमांड भी है और अब आप एक ही काम दोनों फोर्सेस एक ही काम कर रही है डिफेंस भी वही काम कर रही है पैरामिलिट्री भी वही काम कर रही है और आप एक को तो बहुत कुछ दे रहे हैं और एक को कुछ नहीं दे रहे हैं अब हमारे को कुछ सुविधा इसलिए ज़्यादा दिक्कतें इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पिताजी और भाई वो डिफेंस में है जैसे मेडिकल है इसी जैसे स्कार्ड है मैं कैंटोनमेंट ही जाता हूँ कैंटीन जाता हूँ या और भी जो चीज़ें हैं मिलनी चाहिए वो बड़े इजीली मिल जाती है क्योंकि वो डिफेंस है अगर पैरामिलिट्री होती होते तो हमको ये सब सुविधाएं नहीं मिलती ये समस्या है मतलब एक कॉमन आदमी की तरह से बोल दें कि एक की झोली भर दी है और एक की झोली आधी भरने में भी उनको दिक्कतें हो रही हैं तो यही हमारी डिमांड है कि अगर आपको करना है तो दोनों को एक जैसा समझिए नहीं तो फिर ये है कि और सबसे बड़ी समस्या है कि इनके जो हायर लेवल होते हैं बता सके घर की तरफ आप क्या रहे थे मैंने देखा क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में ठंड का मौसम भी है लेकिन कुदरत मेहरबान कुछ ज्यादा ही है बारिश भी हो रही है बारिश की वजह से घर का बाहर का रास्ता बहुत ज्यादा उसमें कीचड़ और पानी भरा हुआ घर के बाहर का रास्ता भी नहीं बना हुआ हाँ कॉलोनी के उत्तर लिए ऊपर लेकिन स्वाति सिंह को भी बोला था कि अभी तक उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया है इस बात पर लेकिन बल्कि ये सरकार के तो नियम में है ना कि वो बनवाए के परिवार के बनाना चाहिए लेकिन अब कुछ किया ही नहीं वैसे ही निवासी नहीं घोषित कर रही है तो फिर क्या बनाएगी सड़क प्रधान को भी कहा था कि ये रोड बनाओ तो बोले रोड अभी हम बनाएंगे बनाएंगे बस यही ऐसे कहते रहे कब से चल रहा है ये ये शुरू से चल रहा है जब से हम यहाँ आए हैं तब हाँ अब मेरा सवाल अभी आपने एक चीज और बोली वो मेरे दिमाग में अटक रही है मैं पूछना चाहती हूँ कि मूल निवासी अभी आपने कहा इस पे भी सवाल बना हुआ है दूसरा ये कि जब ये है कि कोई भी शहीद हो जाए और उसके लिए स्कूल बनाया जाए तो ये भी अभी अटका हुआ है फाइलों में कि ये प्रोसीजर आगे बढ़ गया केंद्र सरकार ने एक स्टोन भेजा था वो केंद्रीय विद्यालय में तो वो इजली लग गया क्योंकि आ, मेरे फादर भी एयरफोर्स में ही थे और ब्रदर भी एयरफोर्स में ही है और उस स्कूल के जो टीचर्स थे हमारे सब आज भी जानने वाले हैं उनको भी फक्र होता है कि एक स्टोन आया केंद्र सरकार से स्टोन ही लगा हुआ है बस स्टोन ही लगा नामकरण नहीं हुआ स्कूल का नामकरण नहीं हुआ नामकरण का काम तो राज्य सरकार का है और ये स्टोन कब स्थापित हुआ है वहाँ ये भी दो साल पहले हुआ है दो साल पहले दो साल पहले, और दो पहले दो दो साल, साल से पहले नामकरण करने के पास फिर वही कि साहब को टाइम नहीं है अब रही कि मूल निवासी वाली बात हम बात मूल निवासी क्या होता क्या है कि जो आदमी तीन साल से रह रहा हो तो मूल निवास था है मैं यहाँ पे चुनाव भी लड़ा हूँ किस चीज का कोशिश नहीं की वर्षों से रह रहे हैं क्या है बस उन्होंने एक रिपोर्ट भेजनी थी कि शासन में ये मूल निवासी नहीं है अब उन्होंने मांगा इसलिए था की भाई जो मेडल का पैसा आ रहा है सम्मान की राशि दे रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का ही निवासी होना चाहिए तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मेरी माता जी से आपकी जब शादी हुई थी तो कहाँ गई थी मम्मी ने बोला सरकारी आवास में आए थे और सरकारी आवास में का मूल स्थान तो होता नहीं है तो बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है आप जितने दिन भी रही हो उसका बता दीजिए तो हम बोला ठीक है भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है सरकारी आवास था उसको हमने बता दिया उन्होंने मूल स्थान बना दिया और ये वर्तमान अच्छा। बना दिया फैक्ट्री जो आप बता रहे हैं सर में है और वो मकान में टूट चुका है अच्छा उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर आप ढूंढने जाओगे तो वो मकान है ही नहीं बिल्डिंग है ही नहीं अब मॉडे mm. फैक्ट्री की जो सरकारी मकान है उसके उसकी दूसरे मकान बन गए वो है नहीं अब उन्होंने बोला नहीं अब क्वेश्चन ही उन्होंने ऐसा पूछा कि माता जी आप विवाह तो कौन से मकान में गए थे हमने कहा कि वो टूट mm. चुका है शादी के बाद चार दिन रहे और चार दिन के बाद में मैं अपने लखनऊ आ गई थी ममोरा स्टेशन में यहीं पे मैं सिक्सटी फाइव से रह रही हूँ यहाँ पे सिक्सटी सेवन से तो जब और यहीं मेरे बच्चे पैदा हुए यहीं पर पढ़ाई की है उन्होंने यहीं से सर्विस में गए मेरे दोनों बच्चे और यहीं पर मेरे आदमी भी रिटायर हुए हैं तो मैं यहाँ की निवासी कैसे नहीं हूँ ये बताइए आप और आपका वोटर आई डी भी यहीं का है वोटर आई डी है आधार कार्ड है सब कुछ यहीं का है और कहीं का भी हमारे पास कुछ नहीं है और उन्होंने सब इंक्वायरी भी कर ली है फिर भी उनको तसल्ली नहीं हो रही है कि इनके पास नहीं तुम यहाँ के निवासी नहीं हो यही कहते हैं बस तहसीलदार कहता है और कोई नहीं कहता है और ये तहसीलदार को तसल्ली होगी कैसे कैसे उनके जो कलेजे में जो आग लगी वो कैसे ठंडी हो हो? अब ये तो बता रहे उनका क्या इंटेंशन है कि क्यों और किस लिए करा उन्होंने ऐसा

कवर करने से पहले आप डिस्कशन भी कर रहे थे कि आप जब धरने पे बैठे तो बहुत मजबूरी में आपने वो धरने पे से उठे थे वो मजबूरी क्या थी साहब ने रिक्वेस्ट की थी बहुत ज्यादा कि आप उठ जाइए माननीय मुख्यमंत्री दोबारा बैठ जाना अभी आप उठ जाइए हाँ। किस लिए अभी उठाने के पीछे का क्या कारण का उनका कारण यही था कि वो शहीदों को सम्मान कर रहे थे मंत्री उन्त्री से ये सब क्या मोदी इसीलिए उन्होंने उठा दिया कि उनके में उसमें बाधा आ रही है इसलिए तुम उठ जाओ अभी और आज नहीं तुम दो दिन के बाद फिर बैठ जाना हमसे ये कह करके उठा दिया हमें अच्छा और कोई बात फिर हम दोबारा फिर बैठे फिर हमसे दस दिन का टाइम मांगा पहले भी दस दिन का टाइम मांगा था जब हमें उठाया था तो दस दिन में हम कर देंगे फिर हम दो महीने के बाद में फिर हम दो बैठ गए दस दिन के लिए टाइम मांग लिया हमसे अब हम तीसरी बार बैठे हैं अभी भी हमसे एस ने कहा कि आप उठ जाइए आपका कोई धनने का कोई फायदा नहीं है उठने का हमने कि नहीं अब तो मैं दो बार गलती कर चुकी हूँ मैं अब धन्य से नहीं उठूंगी चाहे मैं यहीं मर जाऊँ तो अब वो उनका कहना है कि धन्य पर जब तक बैठी हो बैठी रहो परेशान होकर के अपने आप उठ जाएंगे ये कहना है उनका मोदी और योगी साहब का काफिला गुजरते वक्त और कारगिल दिवस पर सैनिकों को सम्मान देने के लिए आप सोचिए कि सैनिक के परिवार को धरना से उठा दिया जाता है साहब कहते हैं माता जी धरने पर बैठी है कि आप उठ जाइए आपके धरने का कोई मतलब नहीं है तो इस परिवार के जरिए एक लानत भरा मैसेज हम संदेश आपको भेज रहे हैं और थोड़ा सा भी अगर आपको इज्जत इन अपने सैनिकों के लिए बाकी है सम्मान बाकी है और जो आप बातें करते हैं उसकी कोई वजूद है तो उस वजूद को समझिए और इनके लिए कुछ काम तो करिए साहब किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे देखते रहिए खबर प्याली खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करे।